मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू. प्रैक्टिकल इश्यूज के इस रिकॉर्डिंग सेशन में आई वेलकम ईच वन ऑफ यू. एक और बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेरी जो हम लोगों को रेगुलरली मिल रही है वो है कि साहब, अगर आपका व्हीकल इंटरसेप्ट हो रहा है और किसी कारण से अगर आपका ई वे बिल प्रॉपर नहीं है और 129 सेक्शन में पेनल्टी आपके ऊपर लेवी की जा रही है या 129 में कॉन्फिस्केशन के जो रिपरकेशन है वो आप फेस कर रहे हो, तो इन दैट सिचुएशन आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा कि नहीं मिलेगा. तो क्वेरी इज कि सेक्शन 129-130 में जो भी आप पेमेंट करते हो, क्या आपको उसका क्रेडिट मिलेगा? आंसर टू दिस क्वेश्चन इज वेरी सिंपल. सेक्शन 17 सबसेक्शन 5 क्लॉज आई वो क्लियरली बोलता है कि अगर कोई भी पेनल्टी आपके ऊपर इम्पोज की जा रही है सेक्शन 129-130 में, तो आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा. इट इज़ वेरी क्लियर दैट यू विल नॉट गेट एनी क्रेडिट फॉर एनी पेमेंट मेड अंडर सेक्शन 129 और 130. नाउ व्हाई आई हैव रेज दिस इशू, इशू इज कि ऑफिसर्स आर ऑल्सो नॉट अवेयर एंड दे आर कमेंटिंग कि आप ये पेमेंट कर दीजिए, डोंट वरी, मेक दिस पेमेंट एंड टेक द क्रेडिट. सो प्लीज़ द ट्रेड शुड बी वेरी क्लियर अबाउट दिस कि अगर आप पेमेंट कर रहे हैं, गलत है सही है दैट इज़ अ डिफरेंट इशू, बट वंस वी यू पे दैट यू विल नॉट बी इन अ पोजिशन टू टेक क्रेडिट ऑफ इट, बिकॉज 17.5 सेक्शन 17.5 क्लॉज आई क्लियरली आपकी इस पेमेंट की क्रेडिट को ब्लॉक करता है. सो दिस इज द आंसर टू दिस जनरल क्वेरी. दूसरा एक कॉमन क्वेश्चन जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 का सेकेंड प्रोविजो जो बात करता है कि 180 दिन में अगर रेसिपिएंट सप्लायर को पेमेंट नहीं करता तो उसको अपना क्रेडिट रिवर्स करना पड़ेगा विद इंटरेस्ट. क्वेरी ये आती है कि साहब, जब 46 अमेंडमेंट्स प्रपोज हुए थे जुलाई में, पब्लिक कमेंट के लिए रखे गए थे, तो उसके अंदर एक क्लॉज इंसर्ट किया गया था कि अगर इस सिचुएशन में रिवर्सल होता है तो विदाउट इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट की पेमेंट की जरूरत नहीं होगी, बट रिवर्सल करना पड़ेगा. तो ये प्रोविजन कब से आएगा या कब से रिवर्सल नहीं होगा या ये रेट्रोस्पेक्टिव है, ये क्वेरी आती है. सो द आंसर टू दिस क्वेरी इज वेरी सिंपल कि जो फाइनल बिल आए हैं, जो लोकसभा से क्लियर हुए हैं, वो बिल की कॉपी अगर देखें तो उसमें ये प्रोविजन को अमेंड नहीं किया गया है. आई एम रिपीटिंग, दिस प्रोविजन हैज नॉट बीन अमेंडेड, मीनिंग देयर बाई सेक्शन 16 सबसेक्शन 2 सेकेंड प्रोविजो का जो ओरिजिनल प्रोविजन था वो एज इट इज ही कंटिन्यू किया जा रहा है. संक्षेप में, शॉर्ट में बोलूं तो इसका मतलब ये होता है कि आज की डेट में भी अगर आप 180 दिन में पेमेंट नहीं करते तो आपको रिवर्सल करना पड़ेगा और वो अलॉन्ग विद इंटरेस्ट करना पड़ेगा, इंटरेस्ट साथ में आपको चुकाना पड़ेगा. जो सरकार ने प्रपोज किया था और जो प्रपोज अमेंडमेंट थे उसमें उन्होंने बोला था कि हम इस पे इंटरेस्ट नहीं लेंगे, लेकिन वो CGST बिल जो आया है उसके अंदर वो अमेंडमेंट नहीं हुआ है एंड देयरफॉर द बिल विच गॉट क्लियर्ड इन लोकसभा लेटली डज नॉट हैव एनी सच अमेंडमेंट एंड देयरफॉर आपको रिवर्स करना पड़ेगा और उसको इंटरेस्ट के साथ भरना पड़ेगा. एक और क्वेश्चन ले लेते हैं इसी सेशन में. वो ये क्वेश्चन है कि अगर मेरे को 2A में क्रेडिट नहीं दिख रहा तो क्या सॉल्यूशन है, मीनिंग देयर बाय कि अगर मेरे सप्लायर ने अपना GSTR 1 नहीं भरा तो वो सिचुएशन में मेरे पास क्या सॉल्यूशंस हैं. तो माय डियर फ्रेंड्स, सेक्शन 16.2 जो कंडीशंस लेट डाउन करता है वो बोलता है कि सप्लायर को पेमेंट करना जरूरी है और ये ऑब्वियस है कि सप्लायर ने अगर पेमेंट किया तो 99.99% एक्सेप्ट इन सम एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस वो GSTR 1 जरूर भरेगा. GSTR 1 जैसे ही वो भरेगा तो इन आई हैव नॉट कम अक्रॉस थ्रू एनी केस जहाँ पे GSTR 1 भरा है और 2A में नहीं दिख रहा. हालांकि मुझे कुछ कंप्लेंट ऐसी आई है, मे बी बिकॉज ऑफ सम सिस्टम ग्लिचेस की GSTR 1 भरा है लेकिन दिख नहीं रहा, बट स्टिल आई वुड से कि अगर GSTR 1 भरा है और 2A में दिख रहा है तो कोई इशू है ही नहीं, लेकिन अगर उसने नहीं भरा और 2A में नहीं दिख रहा है तो सर्टेनली एक इशू है. तो यहाँ
सेक्शन 41 मुझे याद आता है, जो आपको प्रोविजनल क्रेडिट दे रहा है, जिसकी वजह से वो आपने क्रेडिट लिया है। अब अगर उसका पेमेंट नहीं होता, सप्लायर पेमेंट नहीं करता और वो आपको नहीं दिखता, या जो नए रिटर्न मैकेनिज्म में आप जैसे ही उसको दिखाओगे और वो उसको रिफ्लेक्ट होगा एंड वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, अगर वो एक्सेप्ट कर लेता है तो लायबिलिटी उसकी हो जाएगी, अगर वो एक्सेप्ट नहीं करता और वो दिखाता भी नहीं है और आपने क्रेडिट ले लिया, तो मुझे डर है कि आपको उस क्रेडिट को रिवर्स करना पड़ेगा और वो पैसा आपको भरना पड़ेगा विद इंटरेस्ट। सो दीज आर फ्यू क्वेरीज दैट वी आर रिसीविंग ऑन डे टू डे बेसिस एंड आई हैव ट्राइड टू एड्रेस दोज क्वेरीज। विल बी कमिंग आउट विद मोर सच प्रैक्टिकल इशूज एंड डिस्कशन देयर ऑफ एंड द सोल्यूशन एज पर माई व्यू। टिल दैट थैंक यू, थैंक यू वेरी मच।